नमस्कार दोस्तों, ये एक फीमेल पाम है और व्यवसाय से ये डॉक्टर है। एज इनकी 47 दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगी, जनवरी में कंप्लीट हो जाएगी। इनका सवाल है, एक साल से आइसक्रीम की दुकान डाली है, वो कैसा रहेगा? आइसक्रीम की दुकान यानी कैसी चलेगी? और छोटा एक रेस्टोरेंट भी खोलना है, इनको खोलना है पार्टनरशिप में, तो वो कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से ना नहीं है। हाँ, आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव है, जहाँ पर थोड़ी सी इनकम कम होगी या वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, और जहाँ जहाँ थोड़े से कट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और कोई भी बिजनेस करोगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी लॉस जाता ही है। हाँ, राहु रेखाएं जो हैवी थी वो आपने पार कर चुके हो, अब कोई ऐसी हैवी राहु रेखा आपके हाथ में नहीं है, तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपका जो लास्ट सवाल है, ओल्ड एज में मेरी इनकम लाइन थोड़ी सी फैली हुई है तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, थोड़ा सा साल थोड़ी सी इनकम कम होगी, क्योंकि आपके हाथ में फिश साइन है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2-5 लाख कमाते होंगे तो उस समय थोड़ा सा कम इनकम होगा और एक्सपेंस बढ़ जाएगा, इससे अलावा कोई प्रॉब्लम वाली बात मुझे नज़र नहीं आ रही। हाँ, एक दो जगह पर जिस जिस एज में फेट लाइन पर कट है वो भी मैं बता दूंगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि वो कट रेस्टोरेंट के लिए ही कट लगा या किसी, कहीं ना कहीं से आपको नुकसान उस कट में जा सकता है, पर उसके लिए कोई बिजनेस करना कोई छोड़ता नहीं। तो और मैं एनालिसिस में आपको डिटेल वाइज बता दूंगा, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हो। एक तील मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, अगर ये इंक होगी तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ये इंक नहीं है तो ऐसे लोगों में एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है, कोई और कार्य करता है और उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ती, यानी हमारा नाम खराब होता है, हमारा कोई रोल नहीं होता उसमें, यानी किसी और के गलत वर्क की सजा हमें मिलती है। सजा मीन्स कोई पुलिस स्टेशन या वैसी सजा नहीं, यानी हमारा नाम खराब होता है। मैं इसका उपाय दे दूंगा, अगर ये इंक नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे फोटोग्राफ में ये महसूस हो रहा है, अगर इंक है तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक अच्छी सी रेखा बन रही है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते। ये एक टाइप का स्क्वेरिश और रेक्टेंगल दोनों पाम है, तो मेहनती भी होंगे और सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होंगे। अंगूठा काफ़ी स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व होगा। फर्स्ट फैलेंज इसमें दिख नहीं रहा है, पर सेकेंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। और मानसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। छोटी उंगलियां है तो बहुत फास्ट निर्णय लेते, और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। जुपिटर की उंगली बड़ी है, ये लीडरशिप क्वालिटी तो जरूर देती है, पर ईगो प्रॉब्लम भी इनको रहता है, छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है, ये एक रोग समझना आप। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप इसे निग्लेक्ट करने की आदत डालिए, नहीं तो इसके कारण परिवार भी परेशान होता है, प्लस व्यक्तिगत जीवन में इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है दिमाग के ऊपर, क्योंकि छोटी छोटी बातों में जब ईगो हर्ट होता है तो उसकी असर हमारे माइंड पर ही ज़्यादा आती है। जब किसी व्यक्ति की उंगली इतनी अलग से चलती हो तो ऐसे लोग भिन्न विचार शैली के लोग होते हैं, यानी अलग सोचने वाले लोग होते हैं, आम लोगों की तरह सोचते नहीं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्थिक सब्जेक्ट हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में इनका आकलन अलग होता है, और कई बार तो ऐसी बातें बता देते जहाँ हम आश्चर्यचकित हो जाते कि कोई व्यक्ति इतना कैसे सोच सकता है डिफरेंट। तो मैं तो इसको प्लस पॉइंट ही समझता हूँ, ये उंगली जब इनकी तीव्रता बहुत अच्छी होती है चीज़ों को समझने की, और ये उंगली भी लगभग फर्स्ट फैलेंज के ऊपर तक पहुँच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग चीज़ों को संभाल कर रखना
याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और जिस व्यक्ति की उंगली और अंगूठा बड़े हो तो बेसिक सफलता बहुत आसानी से प्राप्त होती है। अब आपके इंक लगे हुए पाम की ओर चलते हैं। बुध पर्वत पर एक लाइन, दो लाइन, और बुध पर्वत अपने आप में उभार है, तीन लाइन, चार लाइन। जब अपने आप में उभार होता है तो व्यक्ति सुंदर होता है, उसकी वाणी मीठी होती है, बिजनेस सेंस उसमें अच्छा होता है, दो चार भाषाओं का जानकार भी होता है, बोलने ना आए तो समझ में तो पूरी आती है। यहां पर यश साइन भी आपके हाथ में, तो आपको यश भी जीवन में अच्छा खासा प्राप्त होगा, काफी सुंदर यश साइन है आपके हाथ में, तो लोग आपका नाम ले लेकर आपके पास आते होंगे दवाई लेने, ये तो गारंटी। और बहुत बार ये लाइन इस तरह से कट करती है तो तीन माइनस पॉइंटें मिलती है, मिल सकती है, उसमें से कोई भी एक, पिता से दूर रहना, पिता का साया छोटी उम्र में चले जाना, या पिता से मतभेद, तीन में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है। और दूसरी एक वस्तु होती है, थोड़े से आगे बढ़े तो कोई ना कोई विघ्न आता है जिसके कारण हमें वापस पीछे आना पड़ता है, हालात बनते इस तरह के, या लोग ऐसे मिल जाएंगे जो टांग खींचते, मैं इसका उपाय दे दूंगा आपको। और सबसे बेस्ट वस्तु देखिए, ये कंफर्टेबल इनकम के लिए इनके हाथ में सनलाइन बनी हुई है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आसानी से इजीली कंफर्टेबल इनकम होती है, इससे ज़्यादा सनलाइन का फायदा नहीं होता। किताबों में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, इतनी बड़ी सनलाइन तो ऐसा आना वैसा आना, बहुत नाम मिलेगा, बहुत फेम मिलेगा, केवल कंफर्टेबल इनकम देती है। और सन माउंट पर आपके हाथ में एक हार्ट लाइन के पास एक अच्छी सी फिश साइन भी बनी हुई है। क्लोजअप में ऐसे बहुत बड़ी लगती है, पर मैंने इनको इनकम के बारे में पूछा तो मैच हो रही थी, वो हिसाब की इनकम इनके जीवन में है, तो ये एक साइन इनके हाथ में, ये प्लस पॉइंट है। और यही साइन अगर थोड़ी सी भी हृदय रेखा के नीचे होती तो इसका मतलब दूसरा हो जाता है, हृदय रेखा के पास से निकल कर ऊपर जा रही है। क्लोजअप में ये काफ़ी बड़ी लग रही है पर इतनी बड़ी नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो आपको ज़्यादा जीवन में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप महिलाओं, अब आपकी उम्र भी 47 होने आ गई, तो हो सकता है आपके ये साइन बचपन से होगी, तो पिता जन्म लेते ही अमीर बने होंगे, और आपके जाने के बाद अगर घर में किसी के हाथ में शुभ साइन नहीं होगी तो आपका पीहर जरूर कमजोर पड़ा होगा पैसे के मामले में, और ससुराल फिर पैसे वाला बनता है। बाकी कोई दूसरी साइन मुझे नजर नहीं आ रही। अब वापस इंक लगे हुए पाम पर ही चलते। एक सुंदर सी विद्या रेखा भी बनी हुई है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति पूछ पूछ कर भी काम करता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत एकदम व्यवस्थित है और बहुत सारी फेट लाइनें कंटिन्यू चल रही है, तो बुढ़ापे तक इनकम आती रहेगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं। जो अप डाउन होंगे मैं आपको फेट लाइन पर आऊँगा तब बता दूंगा कि कौन से समय पर इनकम कम होगी और कौन से समय पर ज़्यादा रहेगी। और एक लाइन आपकी सूर्य पर्वत की ओर भी जा रही है, तो या तो ऐसा भी कोई कार्य करोगे जो विदेश से धन प्राप्त कराए, या तो आपके संतान विदेश जा सकते हैं, या किसी और के प्रोडक्ट को सेल करना या किसी को सेवा देना, ये दो में से कोई एक कार्य करोगे। और सेम यहाँ पर एक लाइन के द्वारा
ये अगर घुमाव ले रही है तो ये शुक्र वलय भी बनता है, तो व्यक्ति कला प्रेमी होता है। और ये लाइन अगर ऐसे जाती होगी तो ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, या अगर इस तरह से चल रही होगी तो 99% ये घुमाव ले रही है, तो इसे शुक्र वलय ही गिन सकते हैं हम। आपने रेस्टोरा का पूछा तो उसके लिए आपके जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है, तो मैं आपको ना नहीं कहूंगा रेस्टोरेंट के बिजनेस में जाने को। हाँ, जो अप डाउन है वो मैं आपको धनरेखा पर बता दूंगा, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल इनकमें होती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवाभावी होते और धार्मिक होते, ये चारों फल मिलते हैं। और जिनका, जिस महिला का जुपिटर माउंट या पुरुष का, किसका भी, पर महिलाओं का अगर जुपिटर माउंट जरा भी डिस्टर्ब हो तो उसे पारिवारिक सांसारिक सुख बहुत ट्रबल होती है। तो आपका जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है, ये एक प्लस पॉइंट है। अंदुनी मंगल अच्छा नहीं है, मेरे हिसाब से चाहिए वैसा नहीं है, तो शारीरिक ऊर्जा में कहीं ना कहीं कमी होगी। आम इंसान से थोड़ा सा कंफर्टेबल, एनर्जी कम फील करते होंगे आप, और उंगली दबाने से दबता होगा तो आपको 35-40 के आसपास कोई ना कोई दवाई, डेली लेने वाली दवाई चालू हुई होगी, और ये दबता नहीं होगा तो मध्यम टाइप की एनर्जी रहेगी। बारी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है, जब किसी से मिलोगे एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये जब क्रॉस बनता है तो ऐसे लोगों को हमेशा जीवन के प्रति डर लगता है, हमेशा इनको हमेशा डर बना रहता, आज मैं जहां पर हूं उससे नीचे गिर गई तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और एक दो लाइनें आपको यात्राएं भी करवाएगी, हो सकता है विदेश भी लेकर जाए, ये यात्रा विदेश भी घुमाएगी आपको। एक फोटोग्राफ में मुझे ये ऐसा लगा कि जैसे ये फिश साइन है, पर इस फोटोग्राफ में ऐसा लग नहीं रहा है। अगर ये फिश साइन होती तो व्यक्ति को जीवन में यात्राएं भरपूर होती है। हाँ, और ये जो लाइनें दिखती है इनकी सिक्स सेंस बहुत पावरफुल होती है, यानी सामने वाला केवल हेलो बोल दे ये सामने वाले को पहचान सकते। और मेरे हिसाब से चंद्र पर्वत अच्छा है तो अच्छे परचेसर होते, रिफाइंड सोच होती है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, और विदेश से संबंध आता है और आता है, चाहे घूमने जाओ, संतान पढ़ने जाओ, किसी न किसी रूप से आता जरूर है, और रिफाइंड सोच भी होती है। अब फिश साइन वालों को मनी ट्रायंगल न भी हो तो चलता है, पर ये देखिए काफ़ी अच्छी बुध रेखा आपके हाथ में है, और यही आपको बिजनेस में प्रेरित करती है, डॉक्टर होकर भी। और ये मनी ट्रायंगल भी बन रहा है आपके हाथ में, बहुत बड़ा तो नहीं बन रहा है, पर ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है, अच्छा खासा जमा कर लोगे आप जीवन में। ये लग्जरी लाइन है, ऐसे लोग एक बार कार खरीद ली तो जीवन भर कार के ओनर बने रहते, गाड़ियां चेंज होती रहती है पर ओनर बने रहते, ये लग्जरी लाइन है। और शुक्र पर्वत भी अच्छा है, तो व्यक्ति कपड़े अच्छे पहनता, अच्छी तरह रहता है, लग्जरियस लाइफ का शौक होता है, उसे पूरा भी करता है। अब हृदय रेखा को देखें तो कंप्लीट घुमाव ले रही है, और जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो थोड़े से भावुक भी होते हैं, भावनाओं में भी निर्णय लेते हैं, पर देवदूत तरह की पर्सनालिटी होती है, सबसे मिलकर रहना, अच्छी तरह रहना, ये इनके स्वभाव का गुण होता है। पर ये लाइन वापस इनको गुस्सा भी दिलाती होगी, और एक दो लाइनें नीचे जा रही है, मित्रों को, सगे संबंधी को पैसा देंगे और पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है, और फ्लड लाइन भी है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब आपकी जो माइंड लाइन है और थोड़ी सी डार्क है आपकी हृदय रेखा, तो झंझटों भरा जीवन रहता है, आपाधापी लगी रहती है, फ्रीनेस नहीं मिलती, खुद का जीवन जीने
सबको नहीं मिलता, किसी और के लिए जीते हो इसी तरह का भाव रहता हमेशा, तो ये एक माइनस पॉइंट आपके हाथ में है। अब आपकी माइंड लाइन को देखें तो पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, अति महत्वाकांक्षी होंगे आप, अति, और दोनों में गैप भी है। जब गैप होता है तो व्यक्ति जिद्दी भी होता है, किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं आता, पर अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागता भी नहीं, ये भी इनमें खासियत होती है। और इतनी जुपिटर से स्टार्ट हो तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है व्यक्ति, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आप बहुत ज़्यादा धार्मिक बनते जाओगे, बहुत ज़्यादा। बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करोगे, और आपको कभी न कभी ईश्वर के दर्शन भी होंगे, इस तरह की भी फीलिंग आएगी, सपने भरपूर आते हैं ऐसे लोगों को। अगर 8 घंटा सोए या 7 घंटा सोए तो उसमें 5 घंटा सपने ही आते, थोड़े से ख्याली दिमागों में भी चले जाते, पर धार्मिकता अति आती है, और घर में किसी एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बोल बोल करते इस तरह के लोग, बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं। ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट इनमें पाया जाता है, और माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आपके जीवन में एक 24 के आसपास राहु रेखा ने काटा, इस समय आपके जीवन में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आया होगा। फिर 29 में आपको इस रेखा ने शादी कराई, उसके बाद 31 के आसपास एक ऑफशूट है जो पीछे की तरफ है, एक 32 के आसपास भी मुझे ऑफशूट नज़र आ रहा है, और 33 में एक राहु रेखा ने काटा है, यहाँ पर भी आपको तकलीफ आई होगी। फिर एक छोटी सी रेखा 35 में काट रही है, फिर 39 में बड़ी राहु रेखा ने काटा है, यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आई होगी। उसके बाद 41 में एक छोटी सी राहु रेखा ने काटा है, और एक 44 में एक बड़ी राहु रेखा ने काटा है, और एक छोटी सी राहु रेखा 45 के आसपास भी कट कर रही है। इसके बाद इस फोटोग्राफ का मैं यूज लेता हूं, इसके बाद ये एक ऑफशूट है, ये हो सकता है 46 या 47 के आसपास हो, या तो ये आइसक्रीम की शॉप गिनो, या अभी नया जो रेस्टोरेंट चालू करने वाला हो उसकी ये लाइन है, या कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदता व्यक्ति, जब इस तरह की लाइन होती है या कोई सफलता मिलती है व्यक्ति को जीवन में, तो ये ऑफशूट वर्तमान समय के आसपास ही है, या तो मिल चुका है इसका बेनिफिट या मिलने वाला है। 49 के आसपास एक यात्रा रेखा है जो आपको यात्रा करवाएगी ये जीवन में, एक 50 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हो सकती है, फिर एक छोटी सी लाइन 51-52 के आसपास हल्की सी काट रही है, कोई ज़्यादा 51 के आसपास ही समझो, एक मामूली सी छोटी सी लाइन है, इसको कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और 54 के आसपास या 55 के आसपास एक ऑफशूट भी है, और उसके बाद भी यात्रा रेखा है, और ये एक और ऑफशूट आपको मिलेगा, और ये पीरियड होगा लगभग 10 साल के बाद, यानी 65 के बाद का ये पीरियड है, और ये जीवन रेखा उत्तम तरीके से एंड तक जा रही है, और इतनी छोटी रेखा भी आपको हाजमे का प्रॉब्लम देती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर फिर भी हाजमे का प्रॉब्लम इस रेखा के कारण होता है, और ये ट्रायंगल बनता है, आप बुढ़ापे में ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ खरीदोगे। अब आपकी धन रेखा पर आते हैं, उसके पहले इस पाम से हम देखने की कोशिश करते हैं, ये जो पीरियड रहा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये कम ग्रोथ वाला व्यक्ति के जीवन में रहता है, और उसमें भी आपको कोई ना कोई 29 के आसपास खर्च आया होगा, हो सकता है ये शादी का कोई खर्च किया हो आपने जीवन में, और उसके बाद धीरे धीरे ये लाइन सुधर कर यहाँ स्टॉप हो गई, यानी ऐसे लोग परिवार को एक बार तो मिनिमम विदेश यात्रा पर लेकर जाते, मैक्सिमम कई बार भी, मिनिमम एक बार तो व्यक्ति लेकर जाता ही है।
और एक और फेट लाइन है आपके यहाँ से शुरू हुई और फिर वापस बदलाव आया, ये भी रुक रही है 36 के आसपास, और उसके बाद 36 से ये लाइन और चालू हुई। अब आपका जो क्लोजअप है उस पर आते हैं। ये जो लाइन है ये कम ग्रोथ वाली आपकी लाइन है, ये 36 से चालू हुई अप टू 57 तक ये लाइन कम ग्रोथ देगी। एक्सपेंसिव लाइफ है आपके जीवन में, और ये यहाँ पर इस लाइन पर इन्वेस्टमेंट हुआ होगा आपके जीवन में, ये पीरियड होगा लगभग 42 या 43 के आसपास। और अगर ये लाइन ने काटा होगा ऐसे जा रही होगी तो ये लॉस भी देती है, पर ये लाइन पूरी फैली हुई है अप टू यहां तक। उसके बाद ये अगर आपके हस्बैंड कमाते होंगे तो हो सकता है ये लाइन उनकी हो, क्योंकि ये कम ग्रोथ की है और मैंने आपसे कम्युनिकेट भी किया था। और यहां से फिर ये लाइन आगे चलकर अच्छी ग्रोथ देगी 57 से लेकर इस पीरियड तक, ये लगभग पीरियड होगा, और उसमें कट लगेगा 59 के आसपास, ये आपको नुकसान देगा 59 में। ये लाइन बहुत ज़्यादा बड़ा तो नुकसान नहीं है, पर नुकसान है 65 तक ये लाइन आपको ग्रोथ देगी 57 से लेके 65 तक, उसके बाद ये स्टॉप हो रही है। एक आपके जीवन में अब आगे यहाँ पर डेवलप हुई कि नहीं पता नहीं मुझे, पर यहाँ से ये लाइन अच्छी दिख रही है अप टू यहाँ तक, और उसमें ये कट लगेगा सीधा, कोई ना कोई खर्च करवाएगा। ये एज होगी आपकी 49 या 50 के आसपास। अभी ये 39 के आसपास से या 40 के आसपास से आपके जीवन में ग्रोथ चालू हुई होगी, ये अच्छा पैसा आपको दे रही होगी ये लाइन, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड धीरे धीरे बढ़ता गया होगा। अभी आप यहाँ पर चल रहे हो, आप इस जगह पर चल रहे हो, आगे आपकी इनकम और डेवलप होगी, और ये पीरियड आएगा यहाँ से थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस लेवल बढ़ जाएगा, और ये पीरियड होगा आपके जीवन का 51 के आसपास का। यहाँ पर इतना कम नहीं होगा, पर ये जो पीरियड है ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, 54 या 55 से लेके 57 तक का पीरियड आपके जीवन में ये एक्सपेंसिव रहेगा और थोड़ा सा कम ग्रोथ देगा। फिश साइन है तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, पैसा आएगा और थोड़ा सा कम आएगा पैसा, और मैं इसका उपाय भी दे दूंगा। और ये लाइन जो कट कर रही है ये 57 में आपको नुकसान देगी, और उसके बाद ये थ्रेड दिख रहा है तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बीच बीच में ये जो लाइनें आएगी इस तरह से नाड़ी का रेखा है, ये आपको कोई ना कोई एक्सपेंस कराएगी, तो आपको बुढ़ापे में घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पारिवारिक खर्चा लगा रहेगा और थोड़ी सी ग्रोथ कम होगी, इससे ज़्यादा नहीं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने वाला हाथ नहीं है। ये दो कट आपको परेशान करेंगे, एक 57 और एक 59, पर ये भी कोई बहुत बड़े ऐसा कट नहीं लग रहा है कि जिसके कारण बहुत 19-20 कुछ हो जाए, ऐसी कुछ स्थिति आपके हाथ में दिख नहीं रही है। हाँ, एक हटके और साइन मुझे नज़र आ रही है, अगर ये फिश साइन होगी तो आपको सिक्स सेंस वाला इंसान, यानी आप किसी के बारे में सोचो कि इसका घर कैसा होगा तो आपको दिख भी जाता होगा, यानी ईश्वरीय शक्ति वाला ये हाथ, गुड़ विषयों का अंदर तक का ज्ञान इस फिश साइन, अगर ये रियलिटी होगी तो मिलेगा। और ये बाकी की लाइनें इन्वेस्टमेंट से इनकम जो होती है उसकी लाइनें होती है जो काफ़ी अच्छी है, तो मेरे हिसाब से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी अच्छा हाथ है, जियो उत्तम तरीके से जियो। 2-4 साल किसी के जीवन में थोड़े प्लस माइनस होते, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।